اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. أي الله، मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमजान स्पेशल रेसिपी में आज हम बनाएंगे एक ही बैटर से 6 डिफरेंट टाइप के पकोड़े, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बैटर तैयार करने के लिए 2.5 कप मैंने बेसन ले लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक या फिर हसवे जायका, 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, बुना कुटा सफेद जीरा ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून या ज्यादा भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसको हाथ में थोड़ा सा मसल लेंगे। दो टेबलस्पून डाल देंगे चावल का आटा। चावल के आटे से पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और अगर आपको बैटर पतला लगे तो आप दोबारा इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के उसको गाढ़ा कर लें। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको बीट करेंगे। बैटर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अभी हम इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। सबसे पहले हम मिर्चों के पकोड़े बनाएंगे, तो उनको मैंने इस तरह से बीच में से कट लगा लिया है। अभी हम इसको बेसन लगाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। इस तरह से अंदर तक हमने इसको बेसन लगाना है। अभी चूल्हे को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अभी मैं फ्राई करूंगी प्याज के पकोड़े, और प्याज को भी मैंने पहले से ही कटिंग करके रख लिया था। दालों को मैंने पहले से कटिंग करके रख लिया था पानी में डालकर, कि इनका कलर ना ख़राब हो। अभी मैं सबसे पहले इस पानी को ड्रेन कर लूँगी। पानी को हमने ड्रेन कर अभी लिया। मैं टिश्यू की मदद से इनको खुश्क करूँगी, थोड़ा सा ये जल्दी खुश्क हो जाए देंगे कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा।
आलू के ऊपर जितना भी पानी था उसको खुश कर लिया है। अभी हम इनको फ्राई करेंगे क्योंकि टिश्यू जो है वो पानी को जल्दी अब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल, हम पतला पतला सा बैटर इस तरह से लगाएंगे और फ्राई करेंगे। अभी हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े, और बैंगन को हमने इस तरह से स्लाइस में काट लिए। बैंगन के जो पकोड़े हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, निकाल लेंगे। लास्ट में हम बनाएंगे पालक और बंद गोभी के पकोड़े, और वो भी हम इसी बैटर में डालकर बनाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से ये बंद गोभी बारीक बारीक कटी हुई है और पालक कटी हुई पड़ी है। इस बैटर के अंदर हमने किसी किस्म का कोई मसाला नहीं डालना। अभी बस हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी कर लिया है, और अभी हम पकौड़े फ्राई करेंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पकौड़े डाल देंगे, साइड चेंज करेंगे। अभी तो नाजरीन तैयार है हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो चुके हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।